जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आज सब आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास ट्वेल्व सीबीएसई मैथमेटिक्स के चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स के एक्सरसाइज 4.3 के हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखिए, मैं पहले ही आपको बता दूँ, क्वेश्चन नंबर 3 में दो पार्ट दिए हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड पार्ट। तो हम आपको फर्स्ट पार्ट बताने जा रहे हैं, सेकंड पार्ट वैसे ही होगा, आप करिएगा। अगर आपको करने में दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, फिर वीडियो उसका हम अपलोड कर देंगे। तो चलिए देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हम आपको फर्स्ट पार्ट बताने जा रहे हैं, के की वैल्यू फाइंड करनी है इफ़ एरिया ऑफ ट्रेंगल, ट्रेंगल का जो एरिया दिया हुआ है यह 4 यूनिट का स्क्वायर दिया हुआ है, एंड वोल्टिसेस जो दिया हुआ है K0, 4-0, 4-0 और फिर दिया हुआ है 0-2। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं, X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3। तो एरिया ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला है ये ऊपर, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए इसी फार्मूले का हम यूज़ करते हैं। तो एरिया दिया हुआ है 4, हम 4 कर देते हैं, और ये इजकल टू 1/2। देखिए, ये X1 K Y1 0 X2 4 0 X3 Y3 0 2, और ये 1 1 1। अब हम लोगों को इसे सॉल्व कर देना है। तो अब 2 का हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 8 हो जाएगा, और फिर ये मिलेगा आपको K0 1 4 0 1 0 2 1। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। अब ये हो जाएगा 8 इजकल टू फर्स्ट एलिमेंट K को लेते हैं, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे। अब ये हो जाएगा 0 1 2 1, फिर 0 को हम लेते हैं, तो 0 यानी सेकंड एलिमेंट को लेंगे तो इस कॉलम और इस रो को हम छोड़ देंगे, फिर 4 1 0 1 बचेगा, और फिर लास्ट एलिमेंट को लेते हैं, थर्ड एलिमेंट को लेते हैं तो फिर इस कॉलम और इस रो को हम छोड़ देंगे, ये बचेगा 4 0 0 2। और चलिए सॉल्व करते हैं फिर। तो ये हो गया 8 इजकल टू के, और यहाँ देखें मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 0 माइनस 2। अब प्लस यहाँ देखें 0 है तो ये टोटल 0 हो जाएगा, और प्लस 1, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 2 8 - 0 हो जाएगा। अब फिर आगे हम सॉल्व करते हैं, ये 8 इजकल टू देखें यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया -2k, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 8। फिर देखें क्या होगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, -2k = 0, और यहाँ से k = निकल जाएगा 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट था। अब ऐसे ही आप सेकंड पार्ट को भी सॉल्व करेंगे। अच्छा, हम क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर देते हैं। सेकंड पार्ट में सब कुछ वही रहेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल वही 4 यूनिट स्क्वायर रहेगा, और यहाँ के की वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू आपका -2 0 0 4 0 के दिया हुआ है। तो चलिए हम सीधे इस फार्मूले का यूज़ करते हैं। तो ये हो जाएगा 4 इजकल टू 1/2, और देखते हैं, रखते हैं वैल्यू X1 Y1 यानी -2 0 0 4, और ये हो जाएगा 0k, और फिर हो जाएगा 1 1 1। एक चीज़ हम आपको बता दें
कि नॉर्मली जब डिटर्मिनेंट्स के मेथड से एरिया निकालते हैं ना, तो एरिया को पॉजिटिव नेगेटिव दोनों करके सॉल्व किया जाता है। तो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था ना फर्स्ट पार्ट, वहाँ पर भी अगर प्लस माइनस फोर करके सॉल्व करेंगे तो के की दो वैल्यूज आएंगी। चलिए यहाँ पर हम इस एरिया को प्लस माइनस दोनों करके सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ भी देखिए के की दो वैल्यूज मिलेंगी। अब यहाँ टू का हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो गया प्लस माइनस एट इजकल टू। अब इस डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करते हैं, हम माइनस टू लेते हैं तो इस रो और कॉलम को छोड़ देंगे, ये हो जाएगा फोर वन के वन। और इसके बाद मिडिल एलिमेंट को लेते हैं तो इसके रो और इसके कॉलम और रो को छोड़ देंगे, फिर ज़ीरो वन ज़ीरो वन बचेगा। और फिर लास्ट एलिमेंट को हम लेते हैं तो फिर देखें ये कॉलम ये रो छूट जाएगा, ये ज़ीरो फोर ज़ीरो के हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा प्लस माइनस एट इजकल टू माइनस टू मल्टीप्लाई करते हैं ये हो जाएगा फोर माइनस के। और फिर देखें यहाँ ज़ीरो से मल्टीप्लाई है तो ये ज़ीरो हो जाएगा और प्लस हो गया वन, और यहाँ भी ज़ीरो इंटू के ज़ीरो हो जाएगा और माइनस ज़ीरो हो जाएगा। और फिर देखिए क्या मिल रहा है, ये प्लस माइनस एट इज इक्वल टू यहाँ पर हम माइनस टू का मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस एट हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा आपका टू के और सब तो ज़ीरो हो जाएगा। तो अब देखें फिर क्या मिलेगा, तो हम पहले प्लस साइन लेते हैं टेकिंग पॉजिटिव साइन। जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो 8 इज इक्वल टू माइनस एट प्लस टू के हो जाएगा। माइनस एट को हम अपोजिट साइड में लाएंगे तो 8 प्लस एट सिक्सटीन इज इक्वल टू टू के, और के की वैल्यू निकालेंगे 16 बाई टू यानी के की वैल्यू 8 निकल गई। तो पॉजिटिव साइन अभी लिए हैं, अब अगर हम टेकिंग नेगेटिव साइन तो फिर देखिए ये हो जाएगा माइनस एट इजकल टू माइनस एट प्लस टू के। फिर क्या होगा, माइनस एट से माइनस एट कैंसिल हो जाएगा, ज़ीरो इजकल टू टू के यानी के इजकल टू ज़ीरो बाई टू यानी के इजकल टू ज़ीरो। तो यहाँ से देखें के की टू वैल्यूज हमें फाइंड हुई, के इजकल टू ज़ीरो भी मिला और एट भी मिला। तो अगर आप चाहें तो इसी तरह से फर्स्ट पार्ट को आप कर लेंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स के मीडियम से जब एरिया आप ट्रेंगल फाइंड करते हैं ना तो उसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेकर के सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर फोर आपको बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फोर को बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना हो पासेज थ्रू टू पॉइंट एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू, तो इसके लिए फार्मूला होता है ये एक्स वन वाई वन वन एक्स टू वाई टू वन फिर एक्स वाई वन इजकल टू ज़ीरो। तो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए इसी फार्मूले का हम यूज़ करेंगे। और क्वेश्चन नंबर फोर में टू पार्ट दिए हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड पार्ट दिया हुआ है, हम आपको फर्स्ट पार्ट बताते हैं, सेकंड पार्ट आप इसी के बेस पे कीजिएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है और हमें उम्मीद है कि आपको आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो कमेंट करके बताइएगा, हम वीडियो अपलोड कर देंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर फोर का फर्स्ट पार्ट, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग वन टू एंड थ्री सिक्स यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स का यूज़ करना है तो ये एक्स वन वाई वन है, ये एक्स टू वाई टू है, फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। तो देखें ये वन टू और ये थ्री सिक्स और फिर ये हो जाएगा एक्स वाई वन 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 इजकल टू ज़ीरो। अब हम सॉल्व करते हैं इसको, तो देखें हम वन लेंगे, फर्स्ट एलिमेंट लेंगे तो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को छोड़ देंगे, यहाँ मिलेगा आपको सिक्स वन वाई वन। फिर हम सेकंड एलिमेंट को लेंगे तो देखें
अब इसके कालम और इसके रो को छोड़ देंगे, 3-1 और फिर x1 मिलेगा आपको, और फिर लास्ट एलिमेंट को लेते हैं तो अब इसके कालम और इसके रो को हम छोड़ देंगे, ये हो जाएगा 3xy इक्वल टू 0। फिर इसको हम सॉल्व कर देते हैं तो देखें, मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 1 और 6 इंटू 1 6 हो जाएगा माइनस वाई प्लस 2। मिडिल पार्ट में अपोजिट प्रोसेस करते हैं आपको मालूम है, तो फिर x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 हो जाएगा, अब प्लस हो गया 1, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 3y माइनस 6x इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 6 माइनस वाई प्लस हो जाएगा 2x माइनस 6 और प्लस ये हो जाएगा 3y माइनस 6x इक्वल टू 0। तो देखिए 6 से 6 कैंसिल हो गया, अब ये हो गया आपका देखिए 2x माइनस 6x, तो 2x माइनस 6x माइनस 4x हो जाएगा, और ये देखिए 3y माइनस y ये हो जाएगा 2y और सब कट गया। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा आपका 4x माइनस 2y इक्वल टू 0। अब इसको 2 से अगर हम डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 2x माइनस y इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट का आंसर रहा, और ऐसे ही इसका सेकेंड पार्ट भी सॉल्व होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शनल क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व करके देखा जाएगा कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है 35 यूनिट स्क्वायर, और फिर देखिए क्या दिया हुआ है, विथ वर्टिसेस 2-6 और फिर 5-4 और फिर आपको दिया हुआ है K4। तो यहाँ से देन के इज, तो वैल्यू ऑफ के आपसे पूछा जा रहा है कि के की वैल्यू क्या होगी। तो एक चीज़ हम आपको बता दें, जब डिटर्मिनेंट्स के मेथड से एरिया निकालते हैं तो एरिया हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ सीधे फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर एरिया हो जाएगा प्लस माइनस 35 इक्वल टू 1/2, फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, सीधे वैल्यू नोट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2-6 लास्ट में 1 होगा, फिर 5-4 लास्ट में 1 हो जाएगा और फिर K4 लास्ट में 1 हो जाएगा। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो प्लस माइनस 70 हो जाएगा, और फिर इसको सॉल्व करते हैं 2, तो देखिए अब इसके रो और कॉलम को हम छोड़ देंगे, 4-1 हो गया। अब इसके बाद आप देखें फिर क्या मिलता है यहाँ पर, तो अब हम लास्ट में ये मिडिल एलिमेंट लेते हैं, तो अब इसके कॉलम और इसके रो को छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5-1 K1, और फिर हम लास्ट में 1 लेते हैं, लास्ट एलिमेंट को लेते हैं, तो फिर यहाँ से ये लास्ट एलिमेंट के कॉलम और रो को हम छोड़ देते हैं, फिर ये मिलेगा आपको 5-4 K4। अब चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, अब देखें अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा प्लस माइनस 70 इक्वल टू 2, और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 4-4 हो जाएगा, इसके बाद ये हो गया माइनस 6 और यहाँ पर अपोजिट मेथड अप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा K-5 और प्लस हो जाएगा यहाँ 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20-4K। फिर सॉल्व करते हैं हम यहाँ,
ये हो गया प्लस माइनस 70 इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट तो ज़ीरो हो जाएगा, और फिर हम माइनस 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 6 के और प्लस हो जाएगा 30, और फिर ये हो जाएगा आपका 20 माइनस 4 के। फिर देखते हैं क्या मिलता है, प्लस माइनस 70 इक्वल टू ये देखें 30 प्लस 20 50 हो जाएगा, और माइनस 6 के माइनस 4 के ये हो जाएगा माइनस 10 के। अब हम चाहें तो इसको 10 से सबको डिवाइड भी कर सकते हैं, तो 10 से अगर डिवाइड कर देंगे तो प्लस माइनस 7 इक्वल टू 5 माइनस हो जाएगा के। अब यहाँ पे हम प्लस साइन ले लेते हैं तो देखें टेकिंग पॉजिटिव साइन तो ये हो जाएगा 7 इक्वल टू 5 माइनस के। अब के को हम लेफ्ट साइड में ला देंगे तो के इक्वल टू 5 माइनस 7 यानी के की वैल्यू निकल जाएगी माइनस 2। अब हम नेगेटिव साइन लेते हैं तो देखें नेगेटिव साइन लेते हैं फिर क्या मिलेगा, माइनस 7 इक्वल टू 5 माइनस के हो जाएगा। अब माइनस के को लेफ्ट लाते हैं तो के इक्वल टू 5 प्लस 7 हो जाएगा यानी के इक्वल टू हो जाएगा 12। तो देखें यहाँ पर के की दो वैल्यू मिली हैं, के की एक वैल्यू मिली 12 और सेकंड वैल्यू मिली माइनस 2। तो अब आप देखें कि कौन सा ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। तो इस प्रकार एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग माइनर्स एंड कोफैक्टर्स को फाइंड करेंगे। फिलहाल हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी बातें बताई गई हैं आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पे महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।